होली के त्योहार पर सुरक्षा को देखते हुए ऊधम सिंह नगर पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुलिस ने होलिका दहन और होली में हुड़दंगियों पर नकेल कसने को तैयार दिख रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार जिला मुख्यालय में पर्याप्त फोर्स बुलाई गई है। सभी चौकी थानों और कोतवाली प्रभारियों को होलिका दहन स्थानों को चिन्हित कर फोर्स तैनात करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही चौराहों में हुड़दंगियों से निपटने के लिए चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कहां कहां हो रही है इसको चिन्हित कर लिया गया है और उसके लिए पर्याप्त फोर्स की डिमांड भी की जा चुकी है। हमारी टीम लगातार मौके पे भी है। रात को हम लोग लगातार गश्त भी दे रहे हैं। क्लीन स्वीप का भी की कार्रवाई की जा रही है और होलिका दहन और होली को ध्यान में रखते हुए समुचित फोर्स का बंदोबस्त किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि होलिका दहन और होली शांतिपूर्ण माहौल में बीतेगी। और इसके साथ साथ अमन कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है, सभी लोगों से बातचीत की गई है और ये लोग भी होलिका और होली शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही शराबियों से निपटने के लिए एल्कोमीटर के साथ चेकिंग में तेजी लाने और अराजक तत्वों और शराबियों से निपटने के लिए कानूनी कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊधम सिंह नगर से यामिन मलिक की रिपोर्ट।